इस भयंकर गर्मी में कुल्फी या फिर आइसक्रीम खाने का तो हर किसी का मन करता है, और आम का तो मौसम ही चल रहा है, तो मैंने सोचा चलो आज आम की ही कुल्फी बना लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने 3 आम ले लिया है, और आम का साइज़ आप देख सकते हैं कि मैंने कितना बड़ा आम लिया है। फिर हम ले लेंगे एक मिक्सी जार, और मिक्सी जार में सभी आम को काट के डाल देंगे। आम का छिलका मैंने पहले ही निकाल लिया था, और अब मैं इन्हें छोटे छोटे टुकड़े में काट के मिक्सी जार में डाल दे रहा हूँ। आम के साथ आप चीनी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से मिलाइए। कभी कभी कोई कोई आम बहुत ज़्यादा मीठा भी होता है, तो आप इसमें अगर चीनी को स्किप करना चाहें तो आप चीनी को स्किप कर सकते हैं। फिर चीनी और आम डालने के बाद हमें इन्हें मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लेना है। हमें इसे इतनी अच्छी तरह से पीस लेना है कि इसमें हल्के से भी लम्स ना रह जाए। तो ये देखो, मैंने इसे कितनी अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम ले लेंगे एक बर्तन, और उसी बर्तन में इसे पलट लेंगे। फिर इसे पलटने के बाद हमें गैस को चालू कर देना है मीडियम फ्लेम पर, और गैस चालू करने के तुरंत ही बाद मैं इसमें 1 ग्लास दूध डाल दे रहा हूँ। अब बहुत लोग का ये भी क्वेश्चन रहेगा कि मैं इसमें कच्चा दूध डाल रहा हूँ या पका हुआ। तो मैं इसमें पका हुआ दूध का यूज़ कर रहा हूँ, यानी बॉइल्ड मिल्क। अब दूध और आम को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, और इन्हें अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमें इसमें उबाल आने देना है। और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसे इसमें हल्का हल्का उबाल आना शुरू होता है, हम गैस को तुरंत बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। और जैसे ही ठंडा हो जाए, हम ले लेंगे कुल्फी मोल्ड। अगर आपको प्रॉपर कुल्फी वाला शेप चाहिए तो आप मोल्ड का ही यूज़ करें, पर आप इसे ग्लास में भी बना सकते हैं। अब हम एक एक करके जितना कुल्फी का मिक्सचर बनाया था सब में डाल देंगे। फिर इसमें डालने के बाद अब हम सबका ढक्कन भी लगा देंगे, और ढक्कन लगाने के बाद अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में कम से कम 24 घंटों के लिए। और 24 घंटे बाद ठंडी ठंडी मैंगो कुल्फी हो गई है तैयार। अब आप इस पे हल्का सा ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।